This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। श्रीदेवी की मौत बनी मिस्ट्री, 48 घंटे में तीन बार बदली मरने की वजह है। श्रीदेवी की मौत को लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अभिनेत्री की मौत दुर्घटनावश बाथटब में डूबने से हुई। हालांकि अभी भी खबरें हैं कि दुबई पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन इस नतीजे तक पहुंचने से पहले भी दिग्गज अभिनेत्री की मौत के कई और मोड़ आए। बीते दिनों में एक के बाद एक नए खुलासे होते रहे हैं, पल पल बदलती रही थ्योरी। आइए डालते हैं एक नज़र। 24 फरवरी की रात दुबई से खबर आई कि सोनम कपूर के भाई की शादी में अटेंड करने पहुंची दिलकश अदाकारा श्रीदेवी की मौत हो गई। उनकी अचानक मौत की खबर सुनकर देश स्तब्ध था। हर कोई उनकी मौत की वजह जानना चाहता था कि आखिर इतनी खूबसूरत और फिट अभिनेत्री को हुआ क्या जो वो यूं अचानक मर गई। वजह बताया गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा। श्री को दिल का दौरा पड़ने की खबर 25 फरवरी की सुबह तक फैल चुकी थी, जब तक प्रशंसक इस पर यकीन कर ही रहे थे कि एक नया मोड़ सामने आया, इस बार मौत की वजह बदल गई। 25 फरवरी की दोपहर बाद खबरें आने लगी कि उनका ये दिल का दौरा दवाओं की ओवरडोज से हुआ। इनके बारे में बताया जा रहा था कि श्रीदेवी जवान दिखने के लिए कुछ दवाइयाँ और लिप सर्जरी के बाद जो दवाएँ ले रही थी, उन्हीं दवाओं के ओवरडोज से श्री को दिल का दौरा पड़ा। हालांकि डॉक्टरों ने इन दवाओं से दिल का दौरा पड़ने जैसी कोई भी बात से इनकार किया था। वहीं उनके परिवार के सदस्य संजय कपूर ने भी उन्हें दिल की किसी भी बीमारी के बारे में इनकार किया था। जब तक प्रशंसक अपनी पसंदीदा अभिनेत्री की मौत की इस वजह पर यकीन कर पाते, तब तक खबरों ने अपना रुख एक बार फिर बदल दिया था। अब सामने आ रहा था कि बोनी अपने पत्नी श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए डिनर डेट पर ले जाने चाहते थे। दरअसल श्री की मौत से पहले बोनी ने प्लान बनाया था कि श्रीदेवी को वो बाहर जाएंगे। होटल स्टाफ के अनुसार वो बेहद खुश भी थी। उसके बाद वो तैयार होने के लिए अपने कमरे में पहुंची थी। उसके बाद वो 15 मिनट तक बाहर नहीं आई तो बोनी कपूर ने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया, और जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो श्रीदेवी बाथरूम में बेसुध बाथटब में पड़ी थी। इसके बाद ये बात सामने आई कि वो 2 दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इसके बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ से श्रीदेवी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी गई, उसके अनुसार श्रीदेवी के शरीर के भीतर शराब के अंश भी पाए गए। मिली जानकारी के अनुसार शराब के प्रभाव से श्रीदेवी का बैलेंस बिगड़ा, जिसके चलते वो बाथटब में गिर गई और डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि इस थ्योरी पर भी सवाल उठ रहे हैं।